हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेसन में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर एक डाई होता है जो अपने कलर को चेंज करता है जब हम इस इंडिकेटर को किसी एसिड या फिर बेस में रखते हैं। वो सब्सटेंस जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम एसिडिक कहते हैं, और वो सब्सटेंस जिसमें बेस प्रेजेंट होता है उसको हम बेसिक कहते हैं। इंडिकेटर हमें ये बताता है कि जो हमारा सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। और कैसे बताता है? इंडिकेटर अपना कलर चेंज करता है और उससे हमें पता चलता है कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एसिड बेस इंडिकेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के होते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें लिविंग बींग से मिलते हैं, प्लांट से, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है लिटमस, चाइना रोज, टर्मरिक। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं ये मैनमेड हैं, इनको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है फिनोप्थलीन। ये इंडिकेटर्स हमें डिस्कस करने हैं इस लेसन में। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में, और नेचुरल इंडिकेटर्स में फर्स्ट हम देख रहे हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर। कहाँ से मिलता है ये हमें? हम इसको, एक प्लांट है जिसको लाइकेन कहते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं। न्यूट्रल कलर है वो पर्पल होता है। ये पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल है और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल है। मतलब हम इसको लिटमस पेपर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं और लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। अब ये जो लिटमस है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन, ये दो कलर्स में अवेलेबल है, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। एसिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ब्लू लिटमस को डिप करेंगे और ब्लू लिटमस का कलर अगर रेड हो जाता है तो कंफर्म हो जाएगा कि वो सब्सटेंस एसिडिक है। बेसिस में क्या चेंज आता है लिटमस में? तो बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऐसे सॉल्यूशंस रेड या फिर ब्लू लिटमस के कलर को चेंज नहीं करते हैं, उनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं। अब इस पूरे लिटमस को हमने एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके आपको बताया है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करोगे तो उसमें क्या चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अगर रेड लिटमस पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो क्या होगा? रेड जो है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा और ये कंफर्म हो जाएगा कि जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। रेड लिटमस को अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो नो चेंज इन कलर, कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से ब्लू लिटमस पेपर को आप एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू का ब्लू रहेगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कोई चेंज नहीं होगा कलर में। अब हम बात करेंगे हमारा सेकेंड नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक जो है वो एक येलो डाई होता है। इट इज येलो इन कलर। टर्मरिक से हम टर्मरिक पेपर भी बना लेते हैं, ठीक है? और ये जो टर्मरिक पेपर है वो कैसे बनाएंगे हम? हम क्या करेंगे, हम टर्मरिक के पेस्ट को एक फिल्टर पेपर के स्ट्रिप के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और उसको ड्राई कर देंगे तो वो टर्मरिक पेपर बन जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में कलर में कोई चेंज नहीं आता है, टर्मरिक में, टर्मरिक पेपर में येलो का येलो ही रहेगा, लेकिन बेसिक सॉल्यूशन में जो येलो टर्मरिक है वो
रेड में चेंज हो जाता है। अब हम थर्ड नेचुरल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चाइना रोज। चाइना रोज जो है ये लाइट पिंक कलर का होता है। चाइना रोज इंडिकेटर इज अ लाइट पिंक कलर्ड सॉल्यूशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज विद वाटर। ठीक है, देखिए इस तरीके से ये डायग्राम में आपको शो किया गया है। आपने चाइना रोज के पेटल्स को वाटर में डिजोल्व किया है और आपका जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का मिल गया है। ठीक है, लाइट पिंक कलर, यही चाइना रोज का कलर है। चाइना रोज नेचुरल इंडिकेटर का कलर है। हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से ये चाइना रोज जो है वो एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस में अपने कलर को चेंज करता है। तो जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस हैं वहां पर चाइना रोज का जो कलर है वो डीप पिंक हो जाता है और बेसिस में ये कलर ग्रीन हो जाता है। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है एसिडिक सॉल्यूशन में लाइम जूस, डार्क पिंक कलर का हो गया है, या फिर डीप पिंक कलर आप कह सकते हैं। सोप सॉल्यूशन लिया, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर का हो गया है। और डिस्टिल्ड वाटर जो कि न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वहां पर कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, मतलब कि मैन मेड इंडिकेटर्स। फर्स्ट जो है फिनोप्थलीन आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिनोप्थलीन पिंक कलर हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन में। फिनोप्थलीन इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड इज पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे एसिड रेन की। तो जब कभी भी रेन के अंदर एसिड का हायर लेवल होता है नॉर्मल से एसिडिक कब हो जाता है रेन हमारा, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ये एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। ठीक है, एयर में ये प्रेजेंट होते हैं तो एयर को पॉल्यूट करते हैं। दूसरा, जब ये रेन ड्रॉप के साथ में मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करता है। और रेन में ये एसिड्स का प्रेजेंस ही उसको एसिड रेन बनाता है। ये जो एसिड रेन है ये बिल्डिंग्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, प्लांट्स एनिमल्स को डैमेज करता है।